फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे हिंदी YouTube चैनल ऑल हेल्थ केयर टिप्स पर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने जांघों एवं शरीर के किसी भी हिस्से की खुजली को मात्र दो दिनों में ही समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि तभी आप अपनी खुजली की समस्या को अच्छे से समझकर इसको जड़ से खत्म कर पाएंगे। दोस्तों, खुजली एक त्वचा रोग है जिसके चलते व्यक्ति काफी परेशान, निराश और चिड़चिड़ा हो जाता है, इसलिए इसको दूर करने के उपाय करना बहुत ही जरूरी होता है। शरीर में खुजली होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी खाद्य पदार्थ या दवा से एलर्जी होना, त्वचा का रूखा होना, ठीक से न नहाना, गंदे कपड़े पहनना, मच्छर या अन्य कीट के काटने पर, कोई चरम रोग या पेट में कीड़े होने आदि पर खुजली की समस्या हो सकती है। एक रिसर्च के अनुसार हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी के कारण भी खुजली हो जाती है। खुजली होने पर किसी भी काम में मन नहीं लगता है, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, इसलिए इसको दूर करने के उपाय करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही आयुर्वेदिक घरेलू शुद्ध रूप से स्वदेशी नुस्खे, जिनके इस्तेमाल से आप किसी भी प्रकार की खुजली से निजात पा सकते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि वो कौन से घरेलू नुस्खे हैं जिनका इस्तेमाल करके आप इस समस्या को खत्म कर सकते हैं। तो पहला उपाय है नींबू। विटामिन सी से समृद्ध और ब्लीचिंग प्रकृति के कारण नींबू खुजली वाली त्वचा के लिए सबसे अच्छे उपायों में से एक है। नींबू में मौजूद वाष्पशीलता में उत्तेजना को सुन्न करने की क्षमता होती है, जिसके कारण यह जलन और सूजन को दूर करने में मदद करता है। आपको इसके लिए नींबू को काटकर उसके रस को खुजली वाली जगह पर मलने से हर तरह की खुजली से छुटकारा मिलता है। दूसरा उपाय है तुलसी। तुलसी के पत्ते थीमोल और कपूर से समृद्ध होने के कारण इनमें त्वचा की जलन को कम करने की क्षमता होती है। खुजली होने पर तुलसी के कुछ पत्तों को लेकर उन्हें प्रभावित क्षेत्र पर रगड़े या तुलसी के पत्तों की चाय बनाकर उसे खुजली वाले स्थान पर लगाए। ऐसा करने से आपकी खुजली की समस्या को रातों रात गायब होने में मदद मिलती है। तीसरा उपाय है एलोवेरा। अपने मॉइस्चराइजिंग गुणों के कारण एलोवेरा त्वचा के लिए वरदान होता है। खुजली वाले स्थान पर एलोवेरा के जेल को रगड़ने से यह त्वचा की जलन को कम करने में काफी मदद करता है और खुजली से जल्दी ही राहत भी प्रदान करता है। इसके लिए घर में लगे एलोवेरा के पौधे की पत्ती को काट लें और उसमें से निकलने वाले जेल को खुजली वाली जगह पर लगा लें। इसके उपयोग से आपकी खुजली की समस्या को तुरंत ही आराम मिलता है। चौथा उपाय है बेकिंग सोडा। दोस्तों, बेकिंग सोडा खुजली वाली त्वचा के लिए सबसे आम घरेलू उपाय में से एक है। यह सभी प्रकार की खुजली के लिए फायदेमंद होती है। इसमें मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी गुण खुजली को प्राकृतिक रूप से दूर करने में काफी मदद करता है। इसके इस्तेमाल के लिए बेकिंग सोडा के तीन भाग मिश्रण में एक भाग पानी को मिलाकर पेस्ट तैयार करके प्रभावित त्वचा पर लगाए। ऐसा करने से आपकी खुजली की समस्या को खत्म करने में काफी मदद मिलती है। पांचवा उपाय है पुदीना। पुदीना कीड़े के काटने और खुजली के लिए बहुत अच्छा होता है। यह शीतल संवेदना प्रदान कर आपको तुरंत राहत का अनुभव कराता है। इसकी पत्तियों को मसल कर सीधे खुजली वाले स्थान पर रगड़ना पुदीने को लगाने का सबसे आसान और तेज तरीका है। छठवा उपाय है नारियल तेल। खुजली वाली त्वचा के लिए नारियल का तेल बहुत ही अच्छा होता है। शुष्क त्वचा या मच्छर के काटने पर होने वाली खुजली के लिए नारियल का तेल बहुत ही अद्भुत काम करता है। प्रभावित क्षेत्र पर सीधा इसे लगाना नारियल के तेल को इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों, सातवां और सबसे प्रभावशाली उपाय है नीम के पत्ते से स्नान। अगर आपको खुजली की बीमारी काफी दिनों से है तो 40 से 50 हरे नीम की पत्तियों को थोड़े गर्म पानी में 2 मिनट तक बॉईल कर दे और उसे नहाने वाले पानी में मिला दे। अब इस पानी से स्नान करें। इस प्रक्रिया को कम से कम 1 सप्ताह इस्तेमाल में लाए। ऐसा करने से आपकी खुजली की समस्या में आपको तुरंत ही आराम मिलता है। तो दोस्तों, ये थे खुजली को दूर करने के कुछ घरेलू नुस्खे। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ
हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।